75 डेज हार्ड चैलेंज डे 50। यस, हम फाइनली डे 50 तक पहुंच गए, यानी कि ये जो जर्नी है वो हम कंप्लीट कर ही लेंगे। तो जाते हैं हम 4:30 बजे और 5 बजे वर्कआउट के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही हमारी 5 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट होती है, हम हमारी डेली वाली एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आप जानते ही हम क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं। तो उसको डिस्कस करे बगैर हम हमारे वर्कआउट को जैसे ही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद रॉनी से मिल लेते हैं। और यहाँ हम घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि पार्क की लाइट चली जाती है, और रास्ते से जाते हैं तो वहाँ की भी लाइट चली जाती है। तो ऐसे करते करते हम घर पहुँच जाते हैं। घर पर आकर थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और ले लेते हैं दूध और बादाम। और यहाँ पर शिद्दत से कोई वेट कर रहा था पापा का। हाँ, वो और कोई नहीं, टफी थी, क्योंकि पापा को बहुत देर हो गई थी घर आने में, इसलिए वो वेट कर रही है। जैसे ही श्रेया आ जाती है, उसके बाद हम दोनों मिलके लंच कर लेते हैं। और ये है हमारी आज की सेल्फी। आपको तो पता है, ट्यूशन पढ़ाने के बाद हम करते हैं दिन का दूसरा वर्कआउट। तो बस स्टार्ट हो जाता है हमारा दिन का दूसरा वर्कआउट, जिसमें हम वही सारी एक्सरसाइज करते हैं जो हमने मॉर्निंग में की होती है। बस एक्सरसाइज में फर्क इतना रहता है कि हम डंबल्स भी उठा लेते हैं शाम को। जैसे ही वर्कआउट कंप्लीट होता है, उसके बाद बुक रीडिंग वाला टास्क कर लेते हैं और कर लेते हैं डिनर। फिर करते हैं हमारा फेवरेट काम, यानी कि डे चार्ट पर क्रॉस लगाना। तो इस तरह से 75 डेज हार्ड चैलेंज के डे 50 के सारे टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब बचते हमारे 25 डेज, और अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू।